लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चंपा मैं आ रहा हूँ। चंपा अरे ना कर रहे हो, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? अरे रुको, ए रुको, क्या कर रहे हो? रुको रुको रुको, ए पागल हो गए तुम? हाँ ये क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। निकलू? यस। क्यों भाई, तुम हो कौन? मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन तुम जो यहाँ करने आए हो तो मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगी। क्यों नहीं करने दोगी? ये सुसाइड पॉइंट तुम्हारा है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरा जो जी चाहे मैं करूँगा। Got it? तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? नहीं। पकड़ो इसे। बचाओ, बचाओ, बाहर निकालो मुझे। कैसे निकाले? छह भी तो नहीं। अरे तू ये क्या कर रही है तू? मैं इस क्यूट से लड़के को ऐसे बनने नहीं दे सकती, इसीलिए अपनी स्कर्ट उतार रही हूँ। तू भी अपनी पैंट उतार और तुम सब अपनी पैंट उतारो। हम इसकी रस्सी बना के इसे खींच लेंगे। अरे मेरा हाथ स्लिप हो रहा है, निकालो मुझे यहाँ से। जल्दी, लगता है ये लोग यहाँ से चले गए। अरे और कोई है? मैं यहाँ नहीं हूँ, बाहर निकालो मुझे। अरे कोई है? मेरा हाथ से बोरा है। इसको पकड़ो और ऊपर आ जाओ, आराम से। चलो खींचो। बच गया, बच गया। निकल ले सनी, वरना तेरे कत्ल का दूसरा सामान भी है इनके पास। अरे वाह, क्या स्टाइल है थैंक्स बोलने का। अरे वो तो जा रहा है, जल्दी उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर। जल्दी वो जा रहा है। अरे आरटीओ से उसका एड्रेस लेकर उसके घर वालों को बता देंगे कि वो खुदकुशी कर रहा है, उसके बाद वो जाने उसके घर वाले जाने। 01222 GA 01222। गुड मॉर्निंग इंडिया, बताएगा बताएगा, अगला बताएगा, पिछला बताएगा, भविष्य एकदम खुला बताएगा, किस्मत का हाल बताएगा, हैंडसम कपल। पूछे हमारे घर बच्चा कब आएगा। क्या काजल, दुनिया चांद सितारों पे पहुंच गई और तुम इस तोते से पूछोगी? अच्छा बाबा, पूछते पूछते चलो चलो। आइए आइए, किस्मत का हाल जानिए हैंडसम कपल। भाई साहब पहले ये बताइए, किस्मत का हाल कौन सा तोता बताएगा? देखिए तोता कार्ड बताएगा, हम भविष्य बताएंगे। राजा भाई साहब के कार्ड का नंबर बता। दूसरा। भैया क्या नसीब लाए हैं आप, आपकी किस्मत में हर चीज डबल डबल है। दो घर है? हाँ। दो ऑफिस है? हाँ हाँ। दो गाड़ियां है? ऑफ कोर्स। दो बीवियां है? 100%। क्या ए? क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहे हैं, जो इसमें लिखा है वो बता रहे हैं। अब पता चला क्यों यहाँ आने के लिए चांद सितारों के बहाने बना रहे थे। काजल मैम। चाची जी, जी अब आगे बताइए। आहा, अरे दूसरी पत्नी से तो इन्हें एक बच्चा भी है। बच्चा? ए, क्या, क्या? अरे अरे काजल क्यों रो मत यार, मेरा कोई बच्चा अच्छा नहीं। काजल इसकी बात। काजल ये मेरा बच्चा नहीं है। काजल तुम्हारी कसम काजल, इसे मैं जानता तक नहीं। काजल फिर क्यों डैडी डैडी चलाकर तुम्हारी तरफ भागता चला रहा है? डैडी डैडी मुझे तो बलून चाहिए। बलून चाहिए? चलो बेटा बलून दिला देते। ए भाई साहब संभाल कर रखो अपने बच्चे को, अभी मरवा दिया था मुझे इसने। क्या मूड ऑफ कर दिया यार। देखा काजल ये मेरा बच्चा नहीं। बच्चा भले तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारी दूसरी बीवी जरूर है। अरे यार काजल मेरी बात सुनो प्लीज। काजल देखो वो फ्रॉड आदमी है। काजल 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 दीदी तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या बताऊं यार, सोचा संडे काजल को घुमाने लाया ऐसे अच्छा लगेगा, लेकिन इस जोशी ने तो मेरी। अच्छा एक काम करते,
तेरी किस्मत का हाल पूछते हैं। हाँ। इससे साबित हो जाएगा ये ज्योतिषी जेन्युइन है या फ्रॉड। व्हाई नॉट, आओ किस्मत आजमा। 50 रुपए। तुम देखना एक सेकंड में इसका पोल खुल जाएगा। राजा मैं बोल रहा, इस दिलदार आदमी के कार्ड का नंबर तो बता। नंबर 1। आहा, वाह, जैसी भोली सूरत वैसी भोली सीरत। सरकार उस युग से इस कलयुग में आप कहां से आ गए। बहुत नसीबों वाली है बहन जी आप, जो इस कमीने युग में देवता समान पति आपको मिला है। अरे जॉनी तोते वाले का तो ये दावा है कि ना इन्होंने पराई नार को देखा है ना देखेंगे। 7 जन्मों तक आपको अपनी पत्नी मान लिया, धन्य हो गई आप, धन्य हो गई। सुना आपने? सुना? अरे काजल, काजल दीदी, पूजा, काजल दीदी, what is this? मेरे बारे में जो बोलना था तूने इसके बारे में बोल दिया। तेरे तोते की तो मैं तोता, ए तोता नहीं भैया, पैसा बोलता है पैसा। अबे तेरा कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तू समझता ही नहीं। ऊपर वाले ने सबसे ऊपर आदमी को क्या दिया, दिमाग दिया, क्यों दिया, सोचने के लिए, झूठ बोलने के लिए, 2-4 गर्लफ्रेंड साइड में रखने के लिए। 2-4 या एक नहीं है, 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है, अगर हुई ना तो। अबे कुछ नहीं होगा, अब इसकी तुझे मैं लॉजिक समझाता हूँ। आदमी बेचारा बहुत सेंसिटिव होता है इसलिए उसका बाहर चक्कर चलता है, और क्योंकि सेंसिटिव होता है गिल्टी फील करता है, इसीलिए आकर बीवी को इतना प्यार करता है और बीवी सोचती कि मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। और जब बाहर चक्कर नहीं होता आदमी थका हारा बेचारा गांव से घर पे आता है, पजामा कुर्ता पहनता है, खाना खाता है, टीवी देखता है, झगड़ा करके सो जाता है। यहां से बीवी का शक शुरू होता है कि मेरी पति की लाइफ में कोई दूजी है। अबे इतना सोच क्यों रहा है, मेरे बताए रास्ते पे चल। पूजा की तरह तेरे को काजल भी हमेशा खुश नजर आएगी, ये मेरी गारंटी है। ये देख अभी आइडिया दिया है, और क्या हाल है, कमाल है ना। तो आज से धमाल है, ये क्या लगा रखा है काजल, पहले आंसू पोछो। आई कांट सी यू लाइक दिस। चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात को मैं इसे बाहर खाने पे ले जा रहा हूँ, थोड़ी सी देर हो जाएगी। तुम साथ में होके तो मुझे क्या फिक्र है, लेकिन इन्हें कुछ तो समझाओ, सिखाओ, बिल्कुल अपनी तरह बना दो प्रेम। सुना यार है ना तू। अच्छा काले जा रहा मुझे। अबे चन्ना चन्ना चन्ना। आज पता है औरतें क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कि काजल तुम्हारे घर में तुम इतने बरसों से जन्माष्टमी मना रही हो, देखना अब बहुत जल्द ही तुम्हारे घर में एक छोटा नन्ना सा कन्हैया आने वाला है। बी पॉजिटिव, जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा। ये खुशबू कैसे? वो परफ्यूम की है। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये कोई नई वाली है, तुम्हारी रेगुलर वाली नहीं है। बिल्कुल सही पहचाना, वो प्रेम का दोस्त है ना, उसने मुझे लगाया, उसकी एक परफ्यूम की दुकान है। मैंने लाख मना किया कि मुझे ये परफ्यूम पसंद नहीं, लेकिन वो माना है नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? अरे ये तो बहुत अच्छी है। हा? हाँ इसे ही लगाया करो। अच्छा मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाती हूँ। ये क्या भगवान, रोज सच बोलता हूं तो पिटाई, आज पहली बार झूठ बोला तो मिठाई। बीवियों को बेवकूफ बनाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं भी प्रेम की तरह नो एंट्री में घुस जाऊं। नहीं 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 नहीं, बीवी को धोखा देना अच्छा नहीं है, लेकिन आज चुपी हुआ अच्छा तो लगा। क्या अच्छा लगा? सब कुछ। पूजा घर में दिखाई नहीं दे रही। वो तो अपने घर गई है। क्या कह रही थी? कि कल घर पे आ जाना, वहीं से मंदिर चलेंगे। आज प्रेम नहीं बचेगा, वो घर पहुंचेगा टुन और वहां रहेगी पूजा। इसी बात पर मुंह मीठा कर लेता हूं। ना, ना,
आपने शराब पी है? ये मत पूछो कि मैंने शराब पी है, ये पूछो कि मैंने शराब क्यों पी। क्यों पी है? इसलिए कि हमारे अकाउंटेंट ने एक स्टाफ की लड़की को हाथ लगाया, यहाँ हाथ लगाया, वहाँ हाथ लगाया, बदतमीजी की उसके साथ। तो मैंने उसे ऊपर बुलाया, पूछा कि भैया आपने ये क्यों किया। तो उसने मुझसे ये कहा कि शराब के नशे में से वो मुझे मेरी बीवी लगी। मैंने खींच के उसको थप्पड़ मारा, वो रो के मुझसे कहने लगा कि साहब आप बहुत शरीफ आदमी, आपने आज तक कभी शराब नहीं पी तो आपको कैसे पता चलेगा कि शराब के नशे में हर एक औरत अपनी बीवी नजर आती। मैंने झट से नीचे से एक बोतल मंगाई और पी गया। आपने एक पूरी बोतल क्यों पी? क्योंकि उसने पूरी बोतल पी थी तो मैंने पूरी बोतल पी। अच्छा, फिर? फिर मैंने स्टाफ की सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया और हर एक को उनके नाम से पहचाना। मुझे उनमें मेरी बीवी नहीं नजर आई तो मैंने उसको बुलाया। मैंने बोला ए जब मुझे मेरी बीवी इनमें नहीं नजर आई तो तुझे कैसे आई? वो चुप साइलेंट खामोश तो थप्पड़ मारे, चार लात मारा, बाल पकड़े उसके। और मैंने बोला अबे शराब के नाम को खराब करता है, कभी शराब के नशे में तूने अपनी माँ को अपनी बीवी समझा, अपनी बहन को अपनी बीवी समझा? नहीं ना, धक्का दिया और नौकरी से निकाल दिया। कोई गलत किया? नहीं, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आई नो, अरे तुम्हारे पति में बहुत दम। हे भगवान, हर जन्म में तू पूजा को ही मेरी पत्नी बनाना, बहुत मजा आएगा।